नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि HPSSC हमीरपुर ने जो है पोस्ट कोड 627 का जो है फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है। आप HPSSC की वेबसाइट पे जो जाके चेक कर सकते हैं। तो मैंने PDF डाउनलोड कर दी है, मैं उसकी नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो में बता देने वाला हूँ। वीडियो पर एंड तक बन रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं, मैंने जो है इसकी PDF डाउनलोड कर ली है। 21 अगस्त 2019 को ये आज कल का ये रिज़ल्ट आया है, फाइनल रिज़ल्ट। तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टुडे डिक्लेयर द फाइनल रिज़ल्ट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ 22 पोस्ट, जिसमें 3 जनरल की थी, 2 OBC की थी, ऑन रेगुलर बेसिस 5 पोस्ट थी ये, और उसके बाद OBC WFF 1, SC ओपन की 4, ST ओपन की 12, ऑफ क्लर्क की थी ये ऑन रेगुलर बेसिस। पोस्ट कोड था इसका 627 और इसका जो टोटल कैंडिडेट थे 71 कैंडिडेटों ने जो थी वो इसकी टाइपिंग दी थी, जिसमें से जो 17 कैंडिडेट जो है सिलेक्शन हुई, जिनकी 17 कैंडिडेट के ये रोल नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, रोल नंबर, नेम और टोटल मार्क्स, डिपार्टमेंट अलॉटेड पूरा बताया गया है। और जो वीकेंट रही हैं सीटें वो रही हैं 4 पोस्ट SC ओपन की वीकेंट रही हैं। ये इसलिए नहीं भरी गई क्योंकि कोई भी कैंडिडेट इसके लिए जो था किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का चाहिए था, इसके लिए कोई भी किन्नौर का कैंडिडेट एलिजिबल नहीं था। उसके बाद थी एक पोस्ट रही है आपकी जनरल ओपन की, वो भी खाली रही है। तो 16 पोस्टें जो हैं और क्लर्क की खाली रही हैं, जिसमें SC की 4 हैं और 12 ST की हैं। तो ये रिजर्व ओनली फॉर द कैंडिडेट रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, किन्नौर वालों के लिए ये पोस्टें थी। तो इसमें से 16 पोस्टें जो ये खाली रही हैं, कोई भी पोस्ट इसकी नहीं भरी है। तो ये थी नोटिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।